सो फाइनली 3 महीने की दवा मिल गई बहुत रिक्वेस्ट करने पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछो मत। रिक्वेस्ट किया तो 3 मंथ्स का कर दिया, लेकिन ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? कैसे हैं आप लोग? और आप लोग नाश्ता कर लिए? हम तो कर लिए, मैंने तो सुबह के 6 बजे ही कर लिए। नाश्ता करके नहा धो के रेडी होके फ्रेश होके अब जा रही है स्कूल। फिर स्कूल से लौट के आऊंगी, काम करूंगी, फिर ट्यूशन जाऊंगी, फिर ट्यूशन का काम करूंगी। देखो देखो बैग वैग टांग के बढ़िया तैयार हो गई है। नाश्ता वास्ता बना दिया और ये तैयार हो गई, स्कूल जा रही है। और ये देखो इसके पापा भी सो ही रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली मैं भी उठ गया और उसी स्कूल चली गए। अभी नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करने के बाद में अम्मा की दवा लेने के लिए जाना है मुझे अपने ईएसआई हॉस्पिटल, यहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं सोचा क्यों ना नाश्ता कर ले, नाश्ता करने के बाद ही जाए। तो अभी कर रहे हैं नाश्ता, उधर बन रहा है खाना। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी रोटियां बन रही हैं, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, चावल फ्राई। उसके बाद में फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। बस आप लोग दुआ करो कि दवा मिल जाए, अगर दवा नहीं मिले तो फिर अम्मा कहीं आवेग पड़ी। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही वजह से अम्मा आवेग लिए मना कर रही हैं, कह रही हैं कि हम उबे ना, लेकिन अगर मिल जाए तब तो ठीक है। तो ये ईएसआई का एक नियम है, जब तक पेशेंट होता नहीं तब तक जल्दी से देते नहीं है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करने लगो तो कभी कभार मान भी जाते हैं। तो आज जाएंगे उनसे करेंगे रिक्वेस्ट। मम्मी का, अम्मा का हुआ था ना ये सर्जरी, हुआ था ना हार्ट का ओपन वाली, तो उसी की दवा चलती है, परमानेंट दवा चलेंगी। तो एक एक महीने की यहाँ से लेके घर का भेजित है, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं ना, भाई दिखाओ भाई आगे के, ठीक है, ईएसआई हॉस्पिटल में, ठीक है, कैसा है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। तो बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। सो फाइनली नाश्ता हो गया है, पेपर ले लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल के, चल रहे देखे थे अब मिली दवा कि ना मिली, ठीक है। बाय गुड़िया, देखते हैं क्या होता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं ईएसआई हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की एक बिल्डिंग, न्यू बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। ये पार्किंग बना दिया है अंदर स्टाफ के लिए है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। एलपीजी बैंक देखो कितना मस्त बनाया है, पेड़ पौधे भी साइड में लगे हुए थे लेकिन अभी वो सूख गए हैं किसी कारण, बस गर्मी ज़्यादा है ना। ये रही बिल्डिंग हॉस्पिटल की, इसी हॉस्पिटल से मम्मी का इलाज चलता है।
सो फाइनली 3 महीने की दवा मिल गई बहुत रिक्वेस्ट करने पे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछो मत। रिक्वेस्ट किया तो 3 मंथ्स का कर दिया, लेकिन ठीक है, डॉक्टर का भी कहना ठीक ही है। अगर 3 मंथ्स 6 मंथ का लिख दे पेशेंट को, अगर कुछ हो जाए तो डॉक्टर का भी रिस्क होता है। बहुत कहने सुनने पे उन्होंने 3 मंथ्स का किया, ठीक है, तो हो जाता है यार, ठीक है। अगर आप तो, आपके पास भी ऐसा कुछ हो तो आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। लेकिन आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब तो होता रहता है, ठीक है। तो ठीक है, जो ये यहाँ का इमरजेंसी वार्ड था, पहले इमरजेंसी वार्ड आगे था, अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इमरजेंसी वार्ड। ये देखो लिखा हुआ है, उल्टा दिखेगा इसमें। फिलहाल फैसिलिटी अच्छी हो गई है यहाँ की, ISI की भी, ठीक है। पार्किंग बना रखा, अंडर पार्किंग बना रखा है, यहाँ बना रखा है, छोटी सी ये कैंटीन सामने बना रखा है, तो कुल मिला के ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल से तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर आपका ESI है तो फिर पूरी फैमिली का इलाज हो जाता है, तो और क्या चाहिए। माँ बाप, अपनी फैमिली, ये सारे सेफ कर लो, बस काफ़ी है, इतना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब हम एग्जिट होते हैं हॉस्पिटल से, ठीक है, क्योंकि अब हमारा काम हो गया। बहुत ज़्यादा खुशी मिली मुझे, कम से कम चलो 3 महीने की दवा अब मिल जाएगी। अब 3 महीना मुझे जाना नहीं पड़ेगा, नहीं मम्मी भी परेशान होती, गर्मी ज़्यादा है ना। तो मैं एग्जिट हो गया हूँ, अब यहाँ से लेंगे बस, यहाँ पे आएगी बस, थोड़ी देर बस का वेट करेंगे, फिर चलते हैं, फिर चलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, तो फाइनली दवाई मिल गए रहा है, 3 महीने के मिल गए, मतलब डॉक्टर लिख दी ना, तो 3 महीना के मिलवे करी, उसके बाद फिर डिस्पेंसरी से हर मंथ लिया करेंगे। तो मैं सोचा था कि शायद मिल ही नहीं पाएगी, बहुत मुश्किल से ही मिली, तो बहुत खुशी हुई। उधर लौटते समय थोड़ा सा आरुषि के लिए आम वगैरह ले लिया था, तरबूज, बहुत खुश हो गई, मज़ा आया ना, दिखा दियो। चलो ठीक है, और आज इसने थोड़ा क्राफ्टिंग किया है, मज़ा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, मीठा ना, लेकिन हिल रहा है तो हो नहीं रहा, दांत हिल गए, कोई बात नहीं, दांत फिर से आ जाएंगे। आम आम खाया, आम दो खा लिए, दो खाए आम, मस्त थे, अच्छे थे। तो इस सीजन में पहली बार आम लिया, मुझे तो लगा शायद अभी खट्टा होगा, लेकिन सही था फिलहाल। आम मीठा है, मीठा है ना, बहुत मीठा, चीनी के जैसा, हाँ आम के जैसा ना। चलो ठीक है, तो आज हम आए वहाँ से, दवा से, वहाँ से हॉस्पिटल से, उसके बाद थोड़ा सा नींद आ गई थी, सो गया था। ये अपना लगी हुई थी क्राफ्टिंग करने में, दिखाओ बेटा कौन सी क्राफ्टिंग की है तुमने। तो बनाया उसने पेंसिल कप वगैरह, पता नहीं क्या फूल वगैरह बनाया इसने। ये देखो कितने मस्त फ्लावर बनाए इसने, कहाँ से सीखा ये सब, स्कूल में, इधर आओ ना कभी, तो कहाँ से सीखा, स्कूल में, मतलब स्कूल में यही पढ़ाई चल रही, तो मैं क्राफ्टिंग सिखा रहे ना, डिजाइन वगैरह पढ़ाई हो, कोई नहीं, ये भी पढ़ाई है बेटा, अच्छी बात है, बनाना चाहिए। पेंसिल कप बनाया, चारों तरफ रिबन लगाया, बैंड लगाया पीछे से, और ये फूल बना दिए। अगर इनको अच्छे से कलर कर दिया जाए तो ये मस्त लगेंगे, अगर इनको आप कहीं भी अच्छी जगह पर रख दोगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो क्राफ्टिंग लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लोग अपने अपने घरों में अच्छी चीज़ें लाते हैं, सजाते हैं, तो क्राफ्टिंग करना भी बेस्ट है, मैम ने सिखाया। चलो ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बाय दोस्तों।
बस बाय करने के लिए आती है बस, केवल या तो हाय करने के लिए या तो बाय करने के लिए, पूरे ब्लॉग में बीच से गायब हो जाती है। कोई नहीं, तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग, ये जो ब्लॉग है ये तो पड़ेगा 2 तारीख को, 2 मई को पड़ेगा, तो ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन सब्सक्राइबर क्योंकि बढ़ तो रहे नहीं, इस वजह से इनको लग रहा है अरे छोड़ दो कुछ नहीं होने वाला, तो मैं इनको बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी तो शुरुआत ही हुई है, इतनी जल्दी कैसे हार मान ले, चलेगा जब तक इंशाल्लाह ऊपर वाला है, भगवान हमारे साथ में है, ठीक है, कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, ठीक है, तो बस ठीक है, इसी ब्लॉग के साथ में विदा लेते हैं, मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में, नया ब्लॉग देखते हैं किस टाइप का बनाते हैं, ठीक है, धन्यवाद, बाय, राम राम, गुड इवनिंग, खुश रहो, मस्त रहो, फैमिली के साथ रहो, हैप्पी फैमिली एंड पूरी फैमिली ब्लॉग की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। मम्मी कपड़े फोल्ड करें। मम्मी कपड़े फोल्ड कर रही है, मम्मी का कपड़ों में ज़्यादा ध्यान रहता ना। चलें बोबी, बंद करें, बाय बाय बाय।